देहलम में अंडों ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली और चिकन के गोश्त की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। महंगाई तारीख की बुलंदतरीन सतह पर, चिकन की ऊंची उड़ान जारी जबकि अंडे शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर हुसैन से। जी बाबर। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान अगर थमने का नाम नहीं ले रहा इस वक्त, जो अगर जेल में देखा जाए तो अंडा जो अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, इसके साथ जो मुर्गी का गोश्त अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ देने के बाद ही हम कब वफा होंगे। शहरी जो है वो इस महंगाई के तूफान से सख्त न लाए, उनका कहना है कि अंडे सर्दियों में जरूरत होती है तो उसकी कीमत जो आसमान से बातें कर रही है। डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, मुर्गी का गोश्त इस वक्त जो है 2500 रुपए किलो के करीब बिक रहा है, अंडे 205 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के तूफान को कंट्रोल किया जाए और हुकूमत की तरफ से जो वादे किए गए वो वफा किए जाए, क्योंकि शायद खुर्दनोश आगे ही महंगी है, सब्जियों की कीमतें भी हैं वो भी आसमान से बातें कर रही है। उसके साथ अगर देखा जाए तो टमाटर उसकी कीमत भी जो है वो 100 रुपए से ऊपर है किलो के हिसाब से। अगर देखा जाए तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां वो तो कार्रवाइयां कर रही हैं, लेकिन जो जो महंगाई जो माफिया की तरफ से जो मुसलत की गई है या हुकूमत की जो मशीनरी है उसकी कमजोरियों की वजह से जो महंगाई वहां पर मुसलत हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए वो फौरी इकदाम किए जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया बाबर हुसैन। बड़े शहर